मेरे इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है और इस कोरोना काल में जो कोविड में जो भी मतलब पेशेंट है या जो भी लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करें और सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें और आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। आप सब लोग स्वस्थ हों और सभी अपने अपने नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि स्केंटीमेंसिस के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए। तो स्केंटीमेंसिस क्या होता है? स्केंटीमेंसिस मीन्स पीरियड्स का बहुत कम आना, बहुत कम ब्लीडिंग होना। मतलब जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, दो दिन से कम आते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र होता क्या है। मासिक चक्र के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप देखकर उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो मेरा देख लीजिए। और मासिक चक्र में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो मासिक चक्र होता है वो महीने के पहले दिन से शुरू होकर अगले महीने के पहले दिन तक जो दिन होते हैं उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। और ये मासिक चक्र जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, वो सबके अलग अलग होते हैं। और ये 21 दिन से 32 दिन तक का होता है। किसी का 21 दिन का होता है और किसी का 22 दिन का, 23 दिन का और किसी का 30 या 32 दिन का भी होता है। और इसमें जो जो ब्लड होता है वो 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है ना। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब ये ड्यूरेशन या ये टाइम जो है वो कम हो जाता है या 2 दिन से कम ब्लीडिंग होने लगती है या फिर जो नॉर्मली जो आप जो पैड्स यूज़ करते हैं, टेम्पोन्स जो यूज़ करते हैं, वो यदि हम 5 डेज या 2 डेज से कम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है स्केंटीमेंसिस, मीन्स बहुत कम मेंस्ट्रुअल का फ्लो होना। अब फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि किन किन कारण से होता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस में हम देखते हैं कि जब कोई लड़की या फिर जब कोई गर्ल्स होती हैं, जब वो प्यूबर्टी एज में आती है, जब वो यंग होने लगती है 12 से 14 ईयर की एज में, तो जब उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे उसके शरीर में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। और जब वो हार्मोन चेंजेस होते हैं तो कभी कभी ये पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो कम आने लगते हैं, किसी के फ्लो ज़्यादा आने लगता है, किसी का कम ड्यूरेशन होता है, तो उस टाइम पर ये मेंसेस बहुत ही स्केंटी होते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जब मेनार्की आती है, मेनोपोज आता है। मेनोपोज मीन्स क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बंद हो जाता है आना। मेनोपोज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिए। तो मेनोपोज क्या होता है कि 45 जो ईयर होता है, 45 से 55 डेज तक, सॉरी ईयर्स तक जो पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फीमेल्स की पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी स्केंटीमेंसिस होते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि यदि कोई फीमेल जो बहुत वेट लॉस कर रही है अपना या वेट गेन कर रही है उस टाइम पे भी स्केंटीमेंसिस होते हैं। और डिलीवरी के बाद हम देखते हैं कि जब फीडिंग कराती है कोई मदर अपने बेबी को तो उसमें भी उसको जो मेंसेस हैं वो कम आने लगते हैं। और जब कोई हार्मोनल टेबलेट जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां लेता है तो उसमें भी मेंसेस स्केंटी होते हैं। और पीसीओडी पर भी मेरा एक वीडियो है फ्रेंड्स, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि पीसीओडी में जब मेंसेस जो हैं वो कम आने लगते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है। तो ये सारे कारण जो हैं इसके स्केंटीमेंसिस के होते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में जो कि हम स्केंटीमेंसिस में देते हैं और वो बहुत ही बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे। तो देखते हैं, सबसे पहले एक मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला जो मेडिसिन होती है वो पल्साटीला मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन होती है। और ये जो मेडिसिन होती है ये स्केंटीमेंसिस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जब पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है और जब पीसीओडी की प्रॉब्लम में स्केंटीमेंसिस होते हैं तो हम पल्साटीला फीमेल को देते हैं। और स्केंटीमेंसिस के साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि उसे पेट दर्द होता है, हेडेक होता है और पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के बाद में उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। और जो पल्साटीला मेडिसिन होती है वो बहुत ही दुखी होती है, बहुत ही सैड होती है, अपनी लाइफ से परेशान रहती है ऐसी मेडिसिन। ये इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं सीपिया। सीपिया जो मेडिसिन होती है,
सीपिया भी मेंसेस में देते हैं हम, तो इसमें क्या होते हैं मेंसेस या तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं या फिर बहुत ही लेट आते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि पेट दर्द होता है पेल्विक में, मतलब जो जो योनि वाला मार्ग होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है ना। और पीरियड्स के आने के पहले चेहरे पे क्या होते हैं पिंपल्स होने लगते हैं, फुंसियाँ होने लगती हैं। और इसका जो सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है सीपिया का वो ये है कि इनफर्टिलिटी, जैसे कि स्केंटी मेंसेस जो होता है, जैसे कि पीरियड्स आपके ठीक से नहीं आ रहे हैं तो इनफर्टिलिटी बांझपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब इनफर्टिलिटी का केस होता है और उसमें स्केंटी मेंसेस होते हैं तो हम सीपिया मेडिसिन देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है पेशेंट पे। अब हम देखते हैं ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो होता है वो क्या होता है कि इसमें पेट दर्द होता है। एक ऐसी मेडिसिन होती है ग्रेफाइटिस जिसमें जो फीमेल होती है वो लीन थिन होती है, दुबली पतली होती है और उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। और ये जो उसके सिम्टम्स होते हैं बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं इसके। और इसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल है वो उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बहुत ही कम होता है और पूरी बॉडी में और वजाइना में उसको ड्राइनेस होती है। तो ये जब ग्रेफाइटिस हम मेडिसिन देते हैं तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में हम देखते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में क्या होता है कि इसमें जो फ्लो होता है वो नाइट में होता है, मतलब डे में पूरे डे में तो उसका फ्लो नहीं होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, लेकिन जब नाइट में उसका फ्लो होने लगता है तो हम ग्रेफाइटिस मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेकेसिस। लेकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो उसमें बहुत ही स्मेल आती है, बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा टाइप का होता है, तो हम लेकेसिस वाली मेडिसिन इसमें देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर भी स्केंटी मेंसेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें हम देखते हैं कि फीमेल जो है वो बहुत ही इरिटेबल रहती है, बहुत ही चिड़चिड़ी रहती है और मेंटली बहुत डिस्ट्रेस होता है, उसे मानसिक तनाव रहता है और उसकी वजह से यदि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कम हो जाता है तो हम उसको नेट्रम्यूर मेडिसिन देते हैं। और इसमें नेट्रम्यूर में हेडेक, हेडेक मीन्स सिर दर्द, उसको जो सिम्टम होता है सिर दर्द वाला सिम्टम मेंसेस के पहले उसको ज़रूर होता है, तो हम उसे हम नेट्रम्यूर मेडिसिन देते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन और है इग्नेशिया। इग्नेशिया हमारा जो मेडिसिन है वो मेडिसिन कब देते हैं हम, जब फीमेल को डार्क क्लॉट्स मेंसेस के साथ बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं डार्क कलर के, तो और पेट में भारीपन रहता है, पेल्विस में योनि मार्ग में भारीपन रहता है और इसमें भी पेशेंट जो है वो बहुत ही थकान महसूस करता है, थका हुआ होता है, कमज़ोर होता है, तो हम ये मेडिसिन जो है वो फीमेल को देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन जो हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें, फीमेल की कोई भी प्रॉब्लम है आपको बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपना मास्क लगा के रखिए और जहाँ तक हो सके घरों से बाहर ना निकलिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।